Look at this. Bye bye. वो एक्चुअली सेंस कर सकते हैं. We are saying bye to him. आज वो डे है जो जब हम सर को बाय बोल के बेंगलोर को छोड़ के जा रहे हैं और सर आगे तक जो आगे जो रोड है वहाँ तक थोड़ा हेल्प कर रहे हैं. वहाँ से वहाँ हमें ड्रॉप कर देंगे. फिर वहाँ से हम मतलब आज का डे का पहला लिफ्ट मिल चुका है हमें. Yeah, correct. और दूसरा लिफ्ट आगे से मिल जाएगा. एंड सर थैंक यू वेरी मच फॉर एवरीथिंग यू डिड. लाइक यू टॉट अस अ लॉट. वेलकम. एक्चुअली हम लोग जा रहे थे रास्ते से एंड देन सर यहाँ लेके आए क्योंकि प्रीवियस डे हमने देखा था कि जो फार्मिंग हो रही थी ना उसके ऊपर प्लास्टिक रख रहा था. तो आई वाज वेरी कंफ्यूज कि क्यों रख रहा था. सो सर एक्सप्लेन मी कि वो प्लास्टिक जो है ना जो अनवांटेड प्लांट्स नहीं आ जाते हैं उसके लिए रखते हैं ताकि वो आए ना. तो यहाँ बड़े बड़े प्लांट देख रहे थे यहाँ डिफ्रेंशिएट अच्छे से हो पाएगा. देखो बैगन के प्लांट. दिस इज द बैगन का प्लांट. देखो बैगन लगा हुआ है एंड दिस इज द प्लास्टिक. ये जहाँ से बैगन का प्लांट निकला है ना लाइक लुक एट दिस. जहाँ से निकला है ना वहीं बस छेद किया है. बाकी सबको प्लास्टिक से कवर कर रखा है ताकि अनवांटेड प्लांट ना आ जाए. यार बहुत इंटरेस्टिंग है क्योंकि फर्स्ट मैंने सोचा था कि ये तो लाइक सीमेंटेड है. मैं जब देखा था दूर से जब आ रहा था बेंगलोर एंटर कर रहा था ऐसे बहुत जगह देखे तो आई थॉट कि ये सीमेंटेड है. दैट वाज फनी एक्चुअली. ओ बड़े बड़े साइज के हैं सर. बेसिकली हमें खेत का टूर दे रहे हैं बैगनों के खेत का. लाइक लुक एट दिस यार बिल्कुल टोटली डिफरेंट कॉन्सेप्ट है ये. ओके जैसे देखो ये फटा हुआ है ना यहाँ से अनवांटेड प्लांट बाहर निकल रहा है. लुक एट दैट. लुक एट दैट. तो जहाँ प्लास्टिक फट जाती है वहाँ से प्लांट आ जाता है. लेकिन जहाँ प्लास्टिक होता ही नहीं हुआ तो हर जगह ही होगा ना. पूरा का पूरा लैंड का न्यूट्रिशन जो है ना सिर्फ बैगन को ही मिले एंड पूरा हरा भरा हो जाए. लुक एट दिस कितना हरा भरा है. सो इज द टाइम सर यहाँ तक हमें छोड़ दिए टुमकुर रोड करके कुछ है. थैंक यू. थैंक यू. 4-5 दिन नेक्स्ट लेवल का एक्सपीरियंस हुआ हमें. रोड पे आ चुके हैं 4-5 दिन बाद फिर से. नाउ एडवेंचर बिगेंस फ्रॉम हियर. तो यही रोड है जो तुमकुर वाला है. आ चुके हैं आज के फर्स्ट लोकेशन में जहाँ से हिचहाइक करना है अपने को. इधर से गाड़ियाँ आ रही हैं. अपने को थोड़ा सा उधर ही रहना था यार. देखो वो है ना वो डाइवर्जन है वो कट के जो मेन वाला रोड ना उस पर जाता है और ये इंटरसेक्शन करा हुआ है. पता नहीं इधर से गाड़ियाँ आके लॉन्ग डिस्टेंस के लिए जाएगी या नहीं जाएगी. आई डोंट नो. लेकिन फिर भी यहीं से ट्राई करते 10-15 मिनट कैसा रिस्पॉन्स रहता है. आई बिलीव कि लिफ्ट जल्दी मिल जाएगी. तो एक भाई सब रुके हैं हमारे लिए. तो देखो ट्राई करते अन्ना आगे. हसूर जा रहे हैं हम. हाँ रास्ते में कहीं भी ड्रॉप करते हैं. हाँ टोल से दिखा दो. थैंक यू. और किस्मत ब्रो फर्स्ट गाड़ी रुकी अपने लिए. तो भाई ने हमें यहाँ ड्रॉप कर दिया जो फर्स्ट लिफ्ट मिली थी अपने को. बेसिकली सेकेंड लिफ्ट टेक्निकली यहाँ ड्रॉप कर दिया क्योंकि भाई को इधर जाना था दिस साइड और हम लोग को दिस साइड जाना है. हाँ होसुर होते हुए अपने को रामेश्वरम जाना है एंड दिस इज द रोड टू होसुर. अपना जो लिफ्ट वाला बोर्ड है ना वो निकल चुका है. पुराना वाला था तो पता ही है ब्रो खो गया यार वो. तो नया बोर्ड उन्होंने बनाया था. ट्राई करते हैं इसी से. एक्चुअली बोर्ड से लिफ्ट मांग रहे थे एंड आगे चल के अंदर रुके. हमें लगा कि हमारे लिए नहीं रुके होंगे लेकिन बट जब क्लोजर आया ना तब पता चला कि नहीं हमारे लिए ही रुके थे. और थैंक यू वेरी मच. हमारा जो सामान था ना यहाँ पर हमने रखा था तो हमें डिस्कम्फर्ट हो रहा था. हमने बोला कि ऊपर रख दो तो इसके ऊपर बिल्कुल हमने अपना सामान रख दिया. दोनों बड़ा बैग और छोटा बैग जिसमें इलेक्ट्रॉनिक सामान है वो साथ में रखा है ताकि कुछ क्योंकि ये मैं ऑलवेज मैं साथ में ही कैरी करता हूँ. चल रहे ब्रो मतलब बहुत इजी रह रहा है चीज़ें. यहीं तक का हमारा साथ अंदर. थैंक यू वेरी मच. नाम नेम भूमेश गौड़ा. भूमेश गौड़ा. थैंक यू अंदर. अपने को बेसिकली इधर जो स्टेट रोड है ना ये वाला स्टेट जो जा रही है इधर जाना है और एक रोड इधर अंदर होके सिटी के अंदर गया है. तो अपने को सिटी के अंदर नहीं आना है स्टेट जाना है.
हासुर वाले रोड पे, और भाई को एक्चुअली जाना था सिटी में, इसलिए भाई सिटी में चले गए और हमें इधर छोड़ दिया। ट्रैफिक बहुत ज़्यादा है लेकिन होपफुली मिल ही जाएगा। अभी 10 मिनट हो गया, 10 से 15 मिनट रहेगा सर। हो गया, ये बिल्कुल हाईवे है, यहाँ अगर लिफ्ट मिला ना बहुत दूर हो जाएगी। अभी फाइनली हम लोग तमिलनाडु एंटर कर चुके हैं। दिस इज कर्नाटका एंड देट इज तमिलनाडु, जहाँ टोल बोर्ड है ना वो तमिलनाडु में पड़ता है बेसिकली। ये गेट है ना, ये गेट, ये वेलकमिंग गेट है तमिलनाडु का एंड कर्नाटका का गुड बाय गेट है। तो अभी गेट क्रॉस कर रहे हैं एंड देन गुड बाय कर्नाटका, वेलकम टू तमिलनाडु। तो भाई खाना वाना खाने के बाद बिल्कुल मस्त, अभी खाना वाना खा लिया, पता नहीं क्या खाया यार, कुछ तो खाया, अंडा बिरयानी करके कुछ था। क्या खाया? थोड़ा सा अजीब लग रहा था लेकिन चलो ठीक है। बढ़िया तो खाया नहीं यार, तो डिस्गस्टिंग लग रहा था मुझे। तो भाई अभी ये सामान में रख दिया अंकल जी के ट्रक में, अंकल से बात किया, बोले बोल रहे हैं अंकल की 20 किलोमीटर जाएंगे तो वो आगे छोड़ देंगे 20 किलोमीटर तक। तो भाई से चलते चलते शाम हो गई ऑलरेडी, सनसेट हो गया पीछे, लिफ्ट नहीं मिली और हसूर के आसपास ही कहीं पे हैं, आई डोंट नो किस जगह पे हैं, तो और चांस लगता भी नहीं है लिफ्ट मिलने का। अब तो बस बढ़िया से लोकेशन खोज के कैंपिंग करना है यार। आज लगभग 80-85 किलोमीटर ही रहेगा, इससे ज़्यादा ट्रेवल नहीं कर पाया आज। रात हो गई है तो इधर भी कैंप लगाने का भी लोकेशन मिला है, लेकिन ये है ना वो ढाबा छोड़ के दूसरे वाले ढाबे पे, एक यही भाई थे उसको हिंदी बिल्कुल समझ नहीं आ रही थी, तो किसी कैसे तो मैंने समझाया, तो भाई बोले कि इधर वहाँ खाली लोकेशन है, थोड़ा सा आता था हिंदी, खाली लोकेशन है उधर ही कैंप कर लेना, लेकिन वहाँ जिसका जिनका शॉप है उधर उनको हिंदी आती है, तो उन भाई से बात हो गई अच्छे से, भाई कह रहे कोई दिक्कत नहीं इधर कैंप लगा लो और रहो अच्छे से। ये वाला लोकेशन मिल गया अपने को, ये बिल्कुल रात को ओस उस से भी बचाएगा, ये सही लोकेशन है, इधर ही टेंट लगा लेंगे, सब मस्त और परफेक्ट होने वाला है। भाई हिचहाइकिंग थोड़ा कम हो पाया लेकिन कोई दिक्कत नहीं, कल मॉर्निंग से अच्छे दिल से साफ नीयत से मस्त हिचहाइकिंग करेंगे और चलेंगे।